वेलकम टू मैथ क्लास। चैनल इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्ट द नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमारे पास ये नंबर कौन सा है? बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसकी बेस 2 है, तो ये बाइनरी नंबर है। हमने इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जब हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्टेप्स हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे, ये टेबल होता है। ओके, टेबल को हम यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्टल नंबर थे, हमने इनको क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो वो मैंने उनसे वीडियोज़ बनाई हुई है, और इसमें हम क्या करें, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करें। ये ऑक्टल टू बाइनरी था, ये क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल है। तो यहाँ पर देखें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड शॉर्ट हैंड फॉर एक्सप्रेसिंग लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। ऐसे ही ये ऑक्टल नंबर्स हैं 0 to 7। तो हमारे पास ऑक्टल नंबर में क्या होता है, यहाँ पर देख लें, ऑक्टल नंबर में हमारे पास क्या होता है, बेस 8 होती है और 0 to 7 डिजिट्स होते हैं। ओके, बेस 8 होती है, और बाइनरी में हमारे पास बेस 2 होती है, और ये देखें बेस 2 है और 0 और 1 डिजिट्स होते हैं यूज़। तो ये देखिए, ये ऑक्टल नंबर है 0 to 7, और ये जो है 0 बाइनरी में हम देखें तो वो कितने जीरोज़ की इक्वल है, 0 0 0 के इक्वल है, 1 0 0 1 की इक्वल है, 2 0 1 0 की इक्वल है, 3 इसके इक्वल है, इस तरह ये सारे इसके इक्वल है। ई ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स। ऐसे ही है, हर जो है ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बाइनरी डिजिट्स को। द टेबल यूज टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, के टेबल यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में। ओके, तो टेबल को हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर स्टेप्स देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है यूज़ किए जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए। 3 स्टेप हैं, 1 2 3, ये कुछ नहीं है। ओके, ये 2 3 3 है। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल में ये स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। मे ग्रुप्स ऑफ, क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप बना लेने हैं 3 बाइनरी डिजिट्स के, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये जैसे है ना, इस तरह ग्रुपिंग कर लेनी है। 3 की ये 3 की और ये 2 हैं, तो हमने क्या कर लेना है, अगला स्टेप देखें, ऐड एक्स्ट्रा 0 टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर लेना है, इफ डिजिट्स आर लेस देन 3, अगर 3 से कम है। तो ये देखिए, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का और ये 2 का है, तो हमने एक 0 और ऐड कर लेना है। फिर क्या करना है, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम, और कन्वर्ट करी जाना है हर ग्रुप को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। कि जैसे 1 1 1 होगा ना, तो यहाँ से देखें 1 1 1 किसके इक्वल है, कौन से ऑक्टल डिजिट के इक्वल है, 7 के, तो हमने फिर यहाँ पर 7 लिख लेना, इस तरह करना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मेक, जो जो काम करना है ना वो लिखी भी जाना है। तो मेक ग्रुप ऑफ यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है, मेक ग्रुप। ओके, मेक ग्रुप्स ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स from right to left, from right to left लिख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे 3 बाइनरी डिजिट्स के राइट टू लेफ्ट, और आगे भी लिख लेते हैं कि ऐड एक्स्ट्रा 0 टू द लेफ्ट साइड। ये लाइन लिख लेते हैं, ऐड एक्स्ट्रा 0s टू लेफ्ट साइड इफ डिजिट्स आर लेस देन, इफ डिजिट्स आर लेस देन 3। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये 1 1 1, फिर ये 0 1 0 और यहाँ पर 1 1 1 1 1 है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि ग्रुप बना लिए 3 बाइनरी डिजिट्स के राइट टू लेफ्ट। यहाँ से राइट पे बन गए 3 के 3 के 2 का ग्रुप। फिर क्या कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा 0 को ऐड कर देना लेफ्ट साइड पर इफ़ डिजिट्स आर लेस देन 3। तो ये ग्रुप पूरा है, ये ग्रुप पूरा है, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं 3 की बजाय। तो हम लोगों ने क्या कर देना है, 1 0 ऐड कर देना है। अगर 2 की ज़रूरत पड़ती है, हमने 2 भी ऐड कर देना था। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता, एक ही 1 एक डिजिट होता, 1 होता या 0 होता, तो हमने 2 0 और ऐड कर देने थे। लेकिन यहाँ पर 1 1 था, तो हम लोगों ने 1 0 और ऐड कर दिया, तो 3 डिजिट्स हो गए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कन्वर्ट ईच ग्रुप इन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम।
तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं 011 किसके इक्वल है, 0 देखें 011 किसके इक्वल है 3 के, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 3 इसकी जगह, फिर 010 किसके इक्वल है 010 ढूंढें, 010 किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर आप 2 लिख दें, और 111 किसके इक्वल है 111 किधर है 111 7 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दें 7 लिख दें, ओके। और अब क्या करेंगे, और अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि ये जो नंबर है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 1 1 1, और इसकी क्या कर लेते हैं बेस भी लगा लेते हैं 2 है, और ये जो है हमने कन्वर्ट किया किसकी इक्वल आ गया 327 के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 327 और बेस लगा लेते हैं इसकी, बाइनरी में कन्वर्ट किया ऑक्टल में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, बाइनरी जो नंबर था उसकी बेस 2 थी, तो हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, तो यहाँ पर 8 भी लगा लें बेस, समझ आए। तो इस तरह कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में। अब आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर आ जाता है आप इजीली उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ आए। बस आपने ये स्टेप्स लिख ही जाने और साथ साथ काम कर ही जाना। तो इसी तरह मैंने ये तो थी हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन, तो जो है ऑक्टल से बाइनरी में वो भी बहुत इजी है, तो आप वो भी चेक करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। जैसे 372 ये क्या है हमारे पास बेस 8 है, तो ये ऑक्टल नंबर है, हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 3 किसके इक्वल होता है 011 के, तो आपने इसकी जगह ये लिख देना है, 7 किसके इक्वल होता है 111 के, तो यहाँ पर 111 लिख दें, 2 किसके इक्वल है 010 के, तो यहाँ पर ये लिख दें, फिर 372 जो नंबर है उसकी बेस भी लगा लें 8 है, इज इक्वल किसके आ जाएगा, सारा नंबर ये हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं वो लिख दें, बेस उसकी 2 होती है, तो वो इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं हम ऑक्टल से बाइनरी में। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना तो और भी ईजी है। इसके अलावा जो ये कन्वर्जन होती है सारी डेसिमल है, इंटीग्रल पार्ट उसका दोनों है, उसको हमने ऑक्टल में भी कन्वर्ट किया है, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं उनको भी, जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है, फिर इसके अलावा जो कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, देन ये जो पॉइंट्स में हमारे पास होता है कौन सा नंबर है हेक्साडेसिमल, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो ये सारी कन्वर्जन आप चेक कर सकते हैं, मैंने सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।